हाय गाइस, दिस इज एंकर फ्रॉम जेनरेस्टी चैनल। तो स्वागत है आपका जेनरेस्टी चैनल में। डोंट मेक अप ट्राई टू बिल्ड अप रैशनल एंड लॉजिकल स्टडी। बात कर रहे हैं पहले नंबर क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय है जी, इसने मारुति सुजुकी इंडिया के साथ क्या किया जी, समझौता किया है। इसमें क्या करेगी, 2 साल में 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण देगी। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है जी? तो नरेंद्र सिंह तोमर है जी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं जी। तो मारुति सुजुकी जो है आपको एक सुजुकी जो आपको जापान की कंपनी है और मारुति इंडिया की कंपनी है, दोनों ने क्या किया है जी, इस समझौता किया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1981 में हुआ है जी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन कौन है जी? तो आरसी भार्गव है। एमडी और सीईओ कौन है? तो केनिची आयुकावा है। चलिए डिस्कस करते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस। गरीबी, बीमारी, भूख को ख़त्म करने के लिए एकजुटता लाना इस अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस का मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 दिसंबर को किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए ऋण सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? तो किसानों के लिए ऋण सब्सिडी योजना असम की सरकार ने स्टार्ट की है। असम की सरकार ने 3 लॉन्च की है स्कीम। असम फार्मर क्रेडिट सब्सिडी स्कीम जो इसी का नाम है AFCSS का, और असम फार्मर इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम, असम फार्मर इंसेंटिव स्कीम, ये 3 असम की सरकार ने परियोजना लॉन्च की है जी। बात की जाए असम के बारे में, तो असम के बारे में देख लेते हैं जी। असम का गठन कब हुआ है? तो असम का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को हुआ जी। असम के बारे में देख लीजिए, असम का ये मैप है। असम कितने राज्यों से घिरा रहा है जी? तो 7 स्टेट से घिरा हुआ है असम। देख सकते हैं आप यहाँ पे ईटानगर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और एक तरफ भूटान, और आपको बांग्लादेश से भी घिरा हुआ है। तो 2 भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है और 7 स्टेट से घिरा हुआ है जी। बात की जाए असम के कैपिटल की, तो असम का कैपिटल कहाँ है जी? तो दिसपुर है। असम का कैपिटल कहाँ है जी? दिसपुर है। यहाँ का साक्षरता कितना है? तो 92.19% है। इसका गठन कब हुआ जी? 1958 का है जी। यहाँ का जेंडर गैप है। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। गवर्नर कौन है जी? जगदीश मुखी है। लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं, विधानसभा की 126 सीटें हैं। जिला कितना है? 33 है। मुख्य न्यायाधीश अजी कुटुर्रा सोम्या बोपन्ना बने हैं जी। लोक नृत्य यहाँ का बिहू और बंगुरुब्बा है। बिहू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क कौन कौन से है? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू साइकोवा, दामेरी। कौन कौन है जी? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू साइकोवा, नामेरी नेशनल पार्क है। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क भी बोला जाता है ओरंग नेशनल पार्क को, तो इसको याद रखिएगा। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क को ही क्या बोला जाता है? राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क वाले जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 20 दिसंबर को निम्न में से किस राज्य ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है? तो 20 दिसंबर को निम्न में से किस राज्य ने राष्ट्रपति शासन कर दिया? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इससे पहले आपको गवर्नर रूल था जी, तो गवर्नर रूल हुए आपको 6 महीना हो गया, तो 6 महीने के बाद गवर्नर ने रिक्वेस्ट दिया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अगर वहाँ की जो कार्यपालिका का कोई भी पार्टी उसको लीड नहीं कर पा रहा है, कोई भी पार्टी वहाँ पर सरकार नहीं बना पा रहा है, तो इसको दे देगा गवर्नर की सिफारिश पर क्या होगा जी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। बात की जाए राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए जी, तो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रूल आपको लागू होता है 356 के तहत होता है ये दूसरी बार, और आपको गवर्नर रूल लागू होता है 90
तो प्रेसिडेंट रूल आपको 1989 से 96 में पहली बार हुआ था और ये दूसरी बार है। गवर्नर रूल जो होता है 92 आर्टिकल के तहत होता है जी, जो यहाँ पे आठवीं बार लगा हुआ है। आपको 356 आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट रूल लागू करता है जी, और 92 आर्टिकल गवर्नर रूल लागू करता है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में हमने इतना देखा। 370 आर्टिकल जो है आपको जम्मू कश्मीर में क्या करता है, एक विशेष दर्जा देता है जी। 35A भी जो है उसको क्या करता है, अलग राज्यों से उसको भिन्न बनाता है जी। तो जम्मू कश्मीर के बारे में बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में दो कैपिटल है, कौन कौन से जी, श्रीनगर है और जम्मू है। तो श्रीनगर आपको क्या है जी, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन कैपिटल है और जम्मू क्या है जी, शीतकालीन है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं जम्मू का। तो जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं, इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इधर इस तो इधर क्या है जी, अफगानिस्तान है। तो तीन कंट्री से करता है जी। और बात की जाए स्टेट में तो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है। चलिए जी, यहाँ का लिटरेसी रेस 68.74% है जी। यहाँ का जेंडर गैप जो है 890 याद रख सकते हैं जी, जेंडर गैप है। यहाँ का गठन किया कब हुआ है जी, तो 1947 में हुआ, 26 अक्टूबर को। गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक है। लोकसभा की 6 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 सीटें हैं, विधानसभा की 87 सीटें हैं। विधान परिषद कितना है सीटें, 36 है जी। जिला कितना है तो 22 जिला है। यहाँ पे देखिए विधानसभा विधान परिषद भी है, दोनों है। तो यहाँ पे याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल है, जो फर्स्ट वुमेन, यहाँ की फर्स्ट वुमेन जज बनी है जी, प्रथम महिला जज बनी है गीता मित्तल जम्मू कश्मीर की। लोक नृत्य कौन है जी, तो कुड और दुमू है। नेशनल पार्क फिर से याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क, दाची गम सिटी फॉरेस्ट किश्तवाड़, यहाँ से हेमिस दाची गम, गम में रहता है जी, हमेशा वार होता रहता है जी, आप याद कर रखते हैं। यहाँ पे क्या है जी, गम में रहता है, दाची गम है। और सलीम अली नेशनल पार्क है, मुस्लिम से थोड़ा समझ सकते हैं। किश्तवाड़ क्या है जी, हमेशा वार होते रहता है यहाँ पे, इसलिए क्या है जी, किश्तवाड़ हेमिस दाची गम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ है जी, यहाँ पे। अनूप कुमार ने 19 दिसंबर से संन्यास की घोषणा कर दी, इनका संबंध किस खेल से है। बात की जाए अनूप कुमार, तो अनूप कुमार ने 2006 में अपना करियर स्टार्ट किया था और एक कबड्डी से रिलेटेड है जी, और इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। बात की जाए इन्होंने संन्यास जो लिया है, तो ये अब संन्यास ले लेंगे, जिसमें इन्हीं के नेतृत्व में 2016 में आप वो वर्ल्ड कबड्डी वर्ल्ड में इंडिया का विनर हुआ है जी। तो इससे याद रखिएगा अनूप कुमार किससे है जी, तो कबड्डी से रिलेटेड है जी। और जम्मू कश्मीर वाले दो चीज़ याद रखिएगा, सेक्सटॉर्शन लॉ भी लागू हुआ है जी, और राज्यपाल वहाँ के APJ प्रधानमंत्री आयुष जन आरोग्य स्टार्ट किए हैं जी। 20 दिसंबर से राज्य ने पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है। तो देखिए अखिल पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों ने किया है, गुजरात में किया है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो हुआ है आपको, तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के प्रमुख क्या है, ये होम मिनिस्टर के नेतृत्व में आतंकवाद, हिंसा और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्सपेंशन के लिए डील करने के लिए यहाँ पे मीटिंग बैठाई गई थी जी। बात की जाए तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात के नर्मदा जिले में बनाई गई है। गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन यानी क्या है जी, समुद्री सीमा क्या है जी, सबसे लंबी गुजरात का है, गुजरात का है। उसके बाद देखिए गुजरात के बारे में और भी सब कुछ जान लेते हैं जी। गुजरात जो इसका स्थापना कब हुआ है जी, बाउंड्री देखते हैं गुजरात का। देखिए कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा है, गुजरात किससे किससे है जी, तो समुद्री कोस्टल लाइन है। किससे है तो यहाँ देखिए महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ये आपको राजस्थान है और ये पाकिस्तान है। तो यहाँ पे बाउंड्री देख सकते हैं किस किस से मैच कर रहा है जी, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मैंने MP है सॉरी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, यहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, 78% है लगभग याद करिए। और यहाँ का जेंडर गैप क्या है, 1919 है जी। कैपिटल कौन सा है यहाँ पे, तो गांधीनगर है। CM कौन है, तो विजय रूपानी है। राज्यपाल कौन है जी, तो ओम प्रकाश रावत है। यहाँ की लोकसभा की 26 सीटें है, राज्यसभा की 11 सीटें है, विधानसभा की 182 सीटें है, जिला 33 है। मुख्य न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी है, मुख्य न्यायाधीश कौन है जी, आर सुभाष रेड्डी है। लोक नृत्य डांडिया और गरबा याद रखिएगा। नेशनल पार्क कौन है, गिर नेशनल पार्क है जी।
मारिन नेशनल पार्क है, मारिन को गल्फ ऑफ कच्छ भी बोला जाता है। ब्लैक बक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गिर नेशनल पार्क याद रखिएगा। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर बना है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा नदी पर बना है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी औद्योगिक नीति और संबंधन विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो स्टार्टअप रैंकिंग में बात की जाए तो सबसे स्टार्टअप रैंक है गुजरात का जी। दूसरे पे कौन है जी? तो कर्नाटक है। तीसरे पे केरल है। तो ये हमारे सुरेश प्रभु जो वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया जी, इसका उद्घाटन किया है। औद्योगिक नीति और संबंधन विभाग द्वारा स्टार्टअप किया जाता है। जो स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में शीर्ष पे कौन रहा है जी? तो आपको गुजरात रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल नेशनल इंस्टीट्यूट NIC कहाँ लॉन्च किया गया? तो देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहाँ किया गया थी? हरियाणा में किया गया है जी। आप ये देख सकते हैं जी, ये फोटो दिखाया गया है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना है कहाँ? तो हरियाणा में बना है। जो आपको कैंसर से पीड़ितों को ज़्यादातर स्पेशलाइज जिनका होगा जी। बात की जाए हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के बारे में देख सकते हैं जी, इसका गठन कब हुआ है? तो 1966 में हुआ है, 1 नवंबर 1966 को हुआ है जी। कैपिटल बात की जाए चंडीगढ़ है। कैपिटल है जो चंडीगढ़ है, आपको भी पता है पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है और चंडीगढ़ का भी। यहाँ पे हरियाणा का अब मैप देख सकते हैं जी। हरियाणा किस किस से है जी? तो ये हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री टच करता है, पंजाब से करता है, राजस्थान से करता है, UP से करता है जी, और यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी से भी करता है जी। तो हरियाणा एक पूरा देख सकते हैं पूरा लैंड लॉक्ड है जी, यानी मतलब कंट्री नहीं है, स्टेट है। हरियाणा के बारे में देखिए, यहाँ का जो लिटरेसी रेट है लगभग 75% है, 75.55% है जी। यहाँ पे जेंडर गैप देखिए 936 है यहाँ का जेंडर गैप। अब इम्प्रूवमेंट हुआ, आप देख सकते हैं कि इन लोगों का बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। कैपिटल चंडीगढ़ है, CM मनोहर लाल खट्टर है, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ गवर्नर हैं। लोकपाल की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं, 22 जिले हैं जी। मुख्य न्यायाधीश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेशनल पार्क जो सुल्तान नेशनल पार्क बहुत इम्पोर्टेंट है, कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर और कलेसर नेशनल पार्क है दोनों। ये आपको दिल्ली वाले में क्वेश्चन में पूछा गया था जिसको याद रखिएगा। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जी, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन से नियुक्त हुए हैं जी? तो CBIC के नए अध्यक्ष जो देख सकते हैं प्रणव कुमार दास है जी। कौन है जी? तो प्रणव कुमार दास यहाँ देख सकते हैं जी, ये क्या है CBIC के नए अध्यक्ष हैं। बात की जाए तो CBIC के नए अध्यक्ष हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के क्या है जी, अध्यक्ष बने। तो प्रणव कुमार दास जो अब नए अध्यक्ष बने हैं, और ये आपको 1 जनवरी 2019 से आपको नए अध्यक्ष बन जाएंगे जी। इससे पहले अभी जो भी है उनका रिटायरमेंट हो जाएगा जी। तो ये बनेंगे 1 जनवरी 2019 से, यानी नए साल से बनेंगे प्रणव कुमार दास नए अध्यक्ष CBIC के। तो 1944 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। 20 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? देखिए तो अमेरिका में बात की जाए तो नवतेज सराना जो थे अभी तक वहाँ पर राजदूत थे, अब उनकी जगह हर्षवर्धन श्रृंगला को लाया गया है जी। हर्षवर्धन श्रृंगला क्या थे जी? तो आपको बांग्लादेश के क्या थे, राजदूत थे, और वहाँ पे से इनको US का राजदूत घोषित कर दिया गया है। तो रीवा गांगुली जो अब बांग्लादेश के नए एम्बेसडर बने जी, कौन बने हैं? तो रीवा गांगुली जो है बांग्लादेश के नए एम्बेसडर बने हैं जी। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है, लास्ट वीडियो में आप कोई आंसर बताइएगा आज